कई सेकंड का ये वीडियो देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। चोरी के आरोप में ऐसी तालिबानी सजा दी गई कि हाथ पैर बांधकर बोरिंग मशीन पर लटका दिया गया। वो गिड़गिड़ाकर माफी मांगता रहा, लेकिन मारने वाले का दिल नहीं पसीजा। एक के बाद एक लकड़ी से कई बार मारा गया। मामला थाना एंगोरिया क्षेत्र से सामने आया है। चोरी के आरोप में युवक की बेरहमी से पिटाई की गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया, क्योंकि मामले की जानकारी के बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। थाना इंगोरिया में एक वीडियो वायरल अभी सोशल मीडिया और आपके ग्रुप से मेरी जानकारी में सवेरे आया था, जिसमें एक व्यक्ति के साथ थाना इंगोरिया क्षेत्र के व्यक्ति द्वारा मारपीट की जा रही है और वो काफ़ी ज़्यादा विभत्स तरीके से उसके साथ मारपीट की गई है। और हालांकि उस संबंध में कोई रिपोर्ट पुलिस के पास नहीं आई, लेकिन ये पूरा प्रकरण जब थाना प्रभारी इंगोरिया के संज्ञान में 3 से 4 दिन पूर्व आ गया था, तो उनके द्वारा जिस तरह की गंभीरता और संजीदगी बरतनी चाहिए थी वो नहीं बरती गई। इस लापरवाही के चलते उनको थाना प्रभारी इंगोरिया के पद से हटाकर पुलिस लाइन संबद्ध किया गया है। पूरे प्रकरण की जांच एसडीओपी बड़नगर कर रहे हैं और एसडीओपी बड़नगर इस पूरी कार्रवाई को क्या था, क्या विषय था, क्यों झगड़ा हुआ था, उसकी जांच करने के पश्चात विधिक कार्रवाई करेंगे। मामले में कार्रवाई तो हुई, लेकिन वीडियो ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर क्यों इतने संवेदनहीन होते जा रहे हैं लोग। जहां पुलिस से शिकायत के बाद कार्रवाई हो सकती थी, वहां आखिर कानून हाथ में लेने की जरूरत क्यों। पंजाब केसरी के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।